बहुत कमाल का हमसे तरह एक और मस्त टॉपिक्स और यूट्यूब के एज रिस्ट्रिक्शंस यानी कि एज रिस्ट्रिक्ट मोड जो है क्या है और एज रिस्ट्रिक्स 18 प्लस मतलब क्या होता है और आपके वीडियोस पे अगर एज रिस्ट्रिक्शंस लग गया है दोस्तों तो घबराना ही नहीं है, इसके बारे में बताएंगे कि आपका एज रिस्ट्रिक्शन वीडियो वाला वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, आपके व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारे सवाल, और आपका चैनल ग्रो होगा कि नहीं होगा, और भी जो भी अगर अलग वीडियो बना रहे हैं दूसरे वीडियो और उस पर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपका व्यूज आएगा, ऑलरेडी एक पे है तो आएगा कि नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो पे बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एज रिस्ट्रिक्शन अगर आपके चैनल पे अगर मतलब कि वो वीडियोस नहीं देखना चाहते एज रिस्ट्रिक्शन वाले तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे ये भी इस वीडियो पे बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर 18 प्लस व्यक्ति कोई अगर एज रिस्ट्रिक्शन है 18 प्लस है अगर आपके पास वीडियो आते हैं तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल ही मतलब कैसे देख सकते हो, तो अंडर 18 वाले तो देखते नहीं है क्योंकि वो यूट्यूब वाले ही एज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वीडियोस पे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है वो मोनेटाइज भी नहीं पता, ये सब कुछ इस वीडियो पे बताएंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा दिल थाम के देखिए और जानकारी लें और ताकि आप भी आगे चल के समझ जाए दोस्तों, और एज रिस्ट्रिक्शन में कौन सी वीडियोस आते हैं ये भी मैं बता दूंगा इस वीडियो पे दोस्तों। और हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब को दबा के सपोर्ट करके साथ बगल वाली घंटा यानी बेल को दबा दो ऑल ऑफ यू ताकि इस तरह का वीडियोस आपको हर रोज की तरह मिलता रहे दोस्तों। इसी के साथ एक लाइक तो बनता है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर, आप देख रहे हैं टेक्निकल किशोर जी, चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि एज रिस्ट्रिक्शन क्या है और एज रिस्ट्रिक्शन मतलब कि अगर आपके पास वीडियोस पे लग जाते हैं तो मैं सिंपली बता दूं दोस्तों कि अगर हम मतलब कि कुछ चार पांच ऐसे वीडियोस अगर हम बनाते हैं जो कि एज रिस्ट्रिक्शन में आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर कोई वीडियो होता है या सेक्सुअलिटी हैरेसमेंट से रिलेटेड होता है या हार्मफुल से रिलेटेड होता है या मतलब कि किसी चीज़ को बहकावा देता है, अगर मतलब क्राइम टाइप से अगर कोई वीडियोस आपके बनते हैं दोस्तों जो कि एक हार्मफुल होता है, तो इस तरह के वीडियोस अगर आप बनाते हो दोस्तों तो ये बिल्कुल ही यूट्यूब की तरफ से आपके वीडियोस पे एज रिस्ट्रिक्शन लग जाता है और जिसकी वजह से आपका वो वीडियोस ग्रो नहीं हो पाता। तो कई बार होता है कि दोस्तों जिसके चैनल पे लग जाता है, जिसके वीडियो पे लग जाता है, तो वो सोचते हैं कि मेरा अब मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, ये ख्याल आता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जिस वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं वो तो वीडियोस आपका मोनेटाइज नहीं होगा, सिंपली बात समझ लो। और दूसरी बात कि अगर आप सोचते हो कि अब दूसरा मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उस पर व्यूज आएंगे कि नहीं, मोनेटाइज होगा कि नहीं, तो दोस्तों आप दूसरी जब वीडियो डालोगे अगर वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो बिल्कुल ही आपका वो वीडियोस मोनेटाइज रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों वो वीडियोस ग्रो करेगा और व्यूज आएंगे। बट आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप वीडियो बनाओ तो एज रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड मत बनाओ ताकि आप मतलब कि यूट्यूब की तरफ से एडसेंस की तरफ से वो एज रिस्ट्रिक्शन लग जाए आपके वीडियोस पे दोस्तों। तो ये बात को बिल्कुल ही ख्याल रखना होगा कि हार्मफुल से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो होते हैं कंटेंट्स जो कि एक हार्म पहुंचाते हैं, साथ ही साथ एक क्राइम टाइप से अगर वीडियोस आपके होते हैं जो कि क्राइम फैलाने के काम करते, तो उस टाइप से अगर वीडियोस आपका होता है दोस्तों तो बिल्कुल ही एज रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है जो कि आपकी वीडियोस को वाकई में मोनेटाइज नहीं होगा और वो वीडियोस भी ग्रो नहीं होता है दोस्तों। तो ये चीज़ ख्याल रखना। और तो हम बात करते हैं अगर कई बार वीडियोस देखते हैं तो एज रिस्ट्रिक्शन वाले मोड वाले यानी कि 18 प्लस वाले वीडियोस जो आते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं, तो वो होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति वो वीडियोस पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा है तो आप नहीं देख सकते, तो उसमें होता है क्या कि आप जो YouTube बनाया हो उस पर जीमेल आई डी जो होता है दोस्तों, अगर आपके जीमेल अंडर 18 से जीमेल अगर कम होते हैं मतलब अंडर 18 का होता है तो वो वीडियो बिल्कुल ही आप नहीं देख सकते हो। तो आपको सिंपली जीमेल पर जाना है, जीमेल का अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देना और 18 से ऊपर कर देना, 18 प्लस कर देना, तभी आप उस वीडियोज को देख पाओगे दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं साथ ही एज रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब कि जो मोड है एज रिस्ट्रिक्शन मोड, उस मोड को दोस्तों अगर हम रिमूव करना है मतलब कि अगर हम चाहते कि हमारे पे उस तरह के वीडियोस नहीं आए, कंटेंट्स नहीं आए हार्मफुल से रिलेटेड, तो आप सिंपली अपने यूट्यूब में जाए और यूट्यूब में जाने के बाद आपको, और जैसे कि मैंने बताया कि एज रिस्ट्रिक्शन वाले जो कि वीडियो जो होते हैं उसको हटाना है मतलब कि नहीं देखना है, तो ये आप सिंपली ऐसे इस पर अपने चैनल पर जाएंगे और यू चैनल पर जाते ही दोस्तों आपको क्या करना है कि एज रिस्ट्रिक्टेड जो कि मोड होते हैं उसको मतलब कि हटाना है, रिमूव करना है। तो सिंपली आपको करना है क्या है, आपको बिल्कुल ही दोस्तों
आपको ये थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ थ्री डॉट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल ही आप सेटिंग खुलेगा। सेटिंग में आप जाने हैं आपको, और सेटिंग में जाते ही दोस्तों आपको जनरल पे जाना है। ये जरा जनरल पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सीधे नीचे जाना है, नीचे की ओर पे यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड मोड, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे, जैसे कि इनेबल कर देते, इनेबल करते ही ऐसे टाइप के आपको वीडियोस आपके पास ए डिटेक्ट से अंडर 18 वाले नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये थी बहुत अच्छी जानकारी जो कि आपको उम्मीद है दोस्तों वीडियो बहुत पसंद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ए डिटेक्ट के बारे में आप अगर मेरे से जो लोग क्वेश्चन पूछे थे उनको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और ये इसके बारे में आप सावधानी भी बरत सकते हो और समझ सकते हो दोस्तों। अगर और भी कोई आपकी क्वेरीज, अगर कोई कॉमेंट्स, अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कॉमेंट करके बता देना दोस्तों। और इसी के साथ विराम जाने से पहले हमसे तरह एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम विजिट करें, और मेरे चैनल को इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लो, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मैं लेकर आते रहता हूं हमेशा की तरह, और लेकर क्वेरीज के अनुसार मैं वीडियोस बनाऊंगा भी दोस्तों। और लाइक शेयर कॉमेंट तो करते रहना दोस्तों। इसी के साथ विराम चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।